ओके, वेलकम यू ऑल फॉर सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर बेसिक्स एंड एमएस ऑफिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन बेसिक्स एंड इन एडवांस। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, अब हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक खासियत होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने कब यूज करना चाहिए? जब हमको बल्क में डेटा वर्क करना है। बल्क में डेटा का मीनिंग क्या है? जहां पे मुझे लाइक 100 200 नहीं बट उससे भी ज्यादा अगर डेटा है। डेटा मतलब जैसे मुझे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है या कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं या कुछ चार्ट बनाना है या लाइकवाइज कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो जब मुझे बहुत सारे डेटा पे काम करना है कंफर्टेबल वे में, तो मेरे लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर बहुत थोड़ा या नेग्लिजिबल या मिनिमम काम करना है तो हमने वर्ड में देखा था कि टेबल का यूज करके और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करके हमने वो काम किया है, ठीक है। बट जब हमको बल्क में काम करना है तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर प्रिफर करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में जब हम काम करेंगे तो हमारे पास कुछ शब्द फैमिलियर हमको करने हैं। पहला शब्द है वर्क बुक। पहला शब्द आएगा वर्क बुक। वर्क बुक मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो ये आपकी एक बुक है, ठीक है। तो आपके बैग में एक बुक है, ठीक है, ये आपकी एक बुक है, इसको एक नाम रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप कितने पेजेस लिखते हो? ये एक पेज यानी एक शीट, एक पेज यानी एक शीट, ओके। वन पेज इज इंडिकेटिंग वन शीट, ओके, ठीक है। और इस शीट के अंदर ये जो लाइंस और कॉलम्स हैं, तो ये लाइंस और कॉलम्स के एक एक लाइंस और कॉलम्स के अंदर हम लिखते हैं। तो ये जो लाइंस और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन रहेगा उसको हम कहेंगे सेल, ठीक है। आड़ी लाइंस को कहेंगे रोज, खड़े लंबे लंबे ब्लॉक्स को हम कहेंगे कॉलम, ठीक है, और एक एक पेज को हम कहेंगे शीट। तो एक्सेल के लैंग्वेज में हम उसको एक्सेल शीट या वर्कशीट कहते हैं। आड़ी लाइन को हम रो कहते हैं, खड़े जो ब्लॉक्स है उसको हम कॉलम कहते हैं, और जो खड़ी लाइन और आड़ी लाइन और खड़े कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक एक कॉलम एक एक ब्लॉक छोटा छोटा जो एक एक ब्लॉक है उसको हम एक एक सेल कहेंगे, ठीक है। सो बुक, बुक के अंदर शीट्स, शीट्स के अंदर रोज या कॉलम्स, रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन बन के सेल्स, और लिखा कहाँ जाएगा? सेल्स के अंदर, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक्सेल में? ओके, सो हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरिंग एंड सेटिंग अप द एनवायरनमेंट, हाउ टू स्टार्ट अ वर्कबुक, मॉडिफाई कॉलम्स रोज एंड सेल्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज, वर्किंग विथ एक्सेल सेल्स, देन प्रिंटिंग द वर्कबुक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस है वो कैसे यूज करने हैं, सॉर्टिंग कैसे करना है, ग्रुपिंग कैसे करना है, फिल्टरिंग कैसे करना है, क्योंकि जब आप बल्क में डेटा काम कर सकते हो तो उसका लेवल कितना होगा, फॉर्मेटिंग करना है तो टेबल्स को फॉर्मेटिंग कैसे करना है, देन अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट कैसे किया जाता है इसमें, देन हाउ टू वर्क विथ अ वर्कशीट, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे मेरा चॉइस पूछोगे कि आपको वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में से क्या अच्छा लगता है, तो आई लव एमएस एक्सेल, ओके, आई लव टू वर्क ऑन एमएस एक्सेल।
सो अभी पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग एंड सेटिंग एक्सेल एनवायरनमेंट। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक्सप्लोरिंग द एक्सेल वर्कशीट कैसा है, एनवायरनमेंट उसका कैसा है, उसमें हम देखेंगे कि जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, स्क्रोलिंग कैसे करते हैं, पेज व्यूज कैसे चेंज करते हैं, कमांड्स कैसे ऐड या रिमूव कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से, देन रिबन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कहाँ से किया जाता है, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन हमारे लिए क्या काम करता है, और हमको अगर कुछ ऑप्शंस जो है उसको मॉडिफाई करना है एक्सेल के तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। सॉरी सो फ्रेंड्स, ये अभी आपके सामने एक स्क्रीन है जिसमें हम लोग एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बटन देख रहे हैं, देन एक छोटा सा ड्रॉप एरो देख रहे हैं जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, फिर एक रेड कलर की डॉटेड बॉक्स देख रहे हैं जिसको हम रिबन कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये जो एबीसीडी जेड तक के या उसके भी आगे जो रहेंगे ये सारे कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 जो है वो आपके रोज है। तो फ्रेंड्स, अगर आप P1 P2 ऐसे कंप्यूटर्स तक के काम कर रहे हो तो 65,536 रोज आपके पास अवेलेबल होती है, और अगर आप उसके हायर मतलब मेमोरी और हायर प्रोसेसर के साथ काम कर रहे हो तो यू विल हैव मोर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। 65,536 × 256 पहले इतने कॉलम्स और रोज हुआ करती थी, और उतना डेटा आप एक शीट में रख सकते हो, और ऐसी बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आपके एक बुक में दिखाई देती है, आप उसमें मैक्सिमम 16 शीट्स तक जा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे में आप ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल, ये देखिए 3 शीट्स हम लोगों को दिखाई दे रही है, Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है जिसको हम मूव करके अपना रिक्वायर्ड सेल लोकेट कर सकते हैं, फिर जूमिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और पेज व्यू जो है वो यहाँ से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। नाउ जूम इन से देखिए, ये यहाँ पे माइनस से जूम रेशो कम होता है और प्लस से जूम रेशो बढ़ता है, तो माइनस पे क्लिक करके भी मैं मेरा जूम रेशो बढ़ा सकती हूँ या कम कर सकती हूँ, या प्लस पे क्लिक करके जो अभी आपको जूम टूल बार बताया वहां से हम लोग इसको कम ज्यादा करेंगे। देन नेक्स्ट है, हम लोगों को अगर हॉरिजॉन्टली मूव करना है लेफ्ट या राइट तो हमको वो हॉरिजॉन्टल बार जो अभी आपको बताया ये वाला, इससे मूव करते आएगा, ठीक है। देन पेज व्यू में 3 पेज व्यूज आते हैं, एक है नॉर्मल, दूसरा है पेज लेआउट, तीसरा है पेज ब्रेक। पेज लेआउट यानी जैसे हमारे मार्जिन वगैरह के साथ में रहता है, और पेज ब्रेक यानी जैसे अभी सपोज मुझे कोई पेज पे कम डेटा आ रहा है, कोई पेज पे ज्यादा डेटा आ रहा है, तो अगर उसको मुझे मैनेज करना है तो मैं पेज ब्रेक उस हिसाब से लगा सकती हूँ। आई डेमोन्स्ट्रेट यू सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन। और नॉर्मल व्यू में हम जनरली काम करते हैं, ठीक है। सो इन केस अगर आपका व्यू सही नहीं होगा तो यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करिएगा तो आपका नॉर्मल व्यू रिगेन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ से मिलेगा, ये देखिए ऊपर में एकदम छोटा सा ड्रॉप एरो होता है, वहां पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन कम या ज्यादा कर सकते हो। कम कैसे करोगे, टिक पे क्लिक किया तो ऑप्शन हट जाएगा, और फिर ये ऑप्शंस के सामने से क्लिक पे किया, टिक किया तो वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको मोर कमांड्स चाहिए तो मोर कमांड्स पे क्लिक कीजिए, ये देखिए मोर कमांड्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, उसमें से आप कमांड सिलेक्ट करो और ओके पे क्लिक करना, ठीक है। और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज रिबन कैसे करेंगे, उसी ड्रॉप एरो पे आपको एकदम लास्ट में मिनिमाइज द रिबन ऑप्शन दिखेगा, उस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको मिनिमाइज हुए भी दिखेगी रिबन, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन हमारे लिए क्या करता है, तो ये देखिए ये बॉक्स बटन पे हमने क्लिक किया तो हमको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड, पब्लिश, क्लोज,
और कुछ एक्सेल ऑप्शंस अवेलेबल है और एग्जिट एक्सेल अवेलेबल है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ठीक है। अगर आपको एक्सेल ऑप्शंस पे जाना है तो आपको क्या करना है, इस पे ऑफिस के बटन पे आपने क्लिक किया और एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक किया तो आपको ये वाला ऑप्शन बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपने इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना, जो अभी डिफॉल्ट सेटिंग्स है वही आप रखो। बट अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, जान सकते हो कि आपके इसमें क्या क्या अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए आपका कलर स्क्रीन ब्लू है, फॉन्ट साइज जो है वो बॉडी का फॉन्ट है उसका 11 बाय डिफॉल्ट है, व्यू जो है वो आपका नॉर्मल व्यू है, और बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स है, 3 शीट्स अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, फॉर्मूलाज है, प्रूफिंग है, सेव है, एडवांस्ड है। तो ये सारा जब मैं एडवांस आपको पढ़ाऊंगी तब आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो अभी इसके बेसिस पे आपका असाइनमेंट क्या रहेगा, आपने एक्सेल ओपन करना है, जूम टूल का यूज करके उसका जूम रेशियो कम या ज्यादा करना है, ठीक है। ओके, देन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिबन कैसे करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन यूज करके कौन कौन से ऑप्शंस है, कैसे हमको उसको वर्क करना है वो हमने देखेंगे। उसके बाद कोई भी दो कमांड्स आप क्विक एक्सेस टूल बार से ऐड करो और उस हिसाब से उसको फिर बाद में रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट यू व्हाट वी हैव लर्न्ड, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज ये देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन क्लिक कर रही हूं और यहाँ पे एक्सेल टाइप कर रही हूं, तो यहाँ पे मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 दिखाई दे रहा है, मैं उस पर क्लिक कर रही हूं, ये लोड हो रहा है। ओके, सो ये एक तरीका हो गया आपको वर्ड चालू करने, सॉरी एक्सेल चालू करने का। दूसरा तरीका है, मैंने डेस्कटॉप पे या जहां पे भी चाहिए वहां पे राइट क्लिक किया, न्यू किया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिख रही है इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट वो न्यू एक्सेल वर्कशीट आएगा, इसमें मैं अपना नाम एडिट कर रही हूं। मैं अगर बाहर कहीं भी क्लिक करती हूं तो व्हाट विल हैपन, इसमें मैं त्रिनयन नाम डाल रही हूं, ठीक है। सो अभी ये, और उसको फिर डबल क्लिक करके ओपन कर रही हूं या एंटर करके भी ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ अब आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसमें ये देखिए आपका जो 3.9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, दिस इज योर टाइटल बार, इट इंडिकेट्स आपका कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। दूसरा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये शीट 1, 2, 3, तो ये आपका क्या हो गया शीट के नाम। ये देखिए यहाँ पे पेज व्यू है और ये जूम वाला है, ठीक है। और ये जो है ये वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये ABCD ये जो है ये सारे क्या है कॉलम के नाम है, और ये जो 1, 2, 3, 4 है ये क्या है रो के नाम है, ठीक है। ये ऑफिस का बटन है, ये आपका व्हाट वी कैन से क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन है, और ये जो पूरी दिख रही है आपको ये बॉक्स ये क्या है रिबन है, और यहाँ पे ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू ये जो दिख रहे हैं ये क्या है आपके मेनूज है, ठीक है। सो नाउ हम लोग सबसे पहले
ऐड करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। देखिए इस पे क्लिक किया, मुझे न्यू भी चाहिए, तो ये देखो न्यू का ऑप्शन आ गया। न्यू नहीं चाहिए, न्यू को टिक किया, न्यू ऑप्शन हट गया। ठीक है, देन शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। तो जो ऐसे डार्क कलर का दिखाई देगा वो शीट आपका एक्टिव शीट रहेगा। अभी देखिए ये आपको आगे पीछे स्क्रोल हुए हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है। ठीक है, ये देखिए मैं इस एरो से क्लिक कर रही हूं तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, देन जूम से जूम बढ़ाया, ये निगेटिव से कम किया। ठीक है, आई विल रिकमेंड यू कि आपने 100 का जूम रखना चाहिए, बट अगर आपको लगता है तो अकॉर्डिंगली आप कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, देन ये देखिए अभी कौन सा व्यू है, नॉर्मल व्यू। अब ये पेज लेआउट व्यू मैंने सिलेक्ट किया, तो देखिए आपको कैसे दिख रहा है, आपको हेडर क्या चाहिए, कितना आपके एक पेज पे कितना सेल्स आएंगे या कितने कॉलम्स या कितने रोज आएंगे वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं हेडर वाला व्यू लेती हूँ, सॉरी पेज ब्रेक व्यू लेती हूँ, तो अभी मैंने कुछ भी डेटा टाइप नहीं किया है, तो देखो अभी एक भी पेज नहीं दिखा रहा है। जब मेरा कुछ डेटा इसमें टाइप हो जाएगा तब वो पेजेस शो करेगा। तो ये देखिए अभी अभी उसने जैसे मैंने कुछ टाइप किया उसने थोड़ा सा वाइट शो किया। ठीक है, गेटिंग, सो नॉर्मल व्यू पे हम काम करते हैं। अभी तक कि आपको कहीं यहाँ पे बीच में डॉटेड लाइन नहीं दिखी, तो फ्रेंड्स ये पूरे एक्सेल शीट में अपने को अगर समझ के लेना है कि हमारा पेज जिसपे हमको फाइनली कहीं जाके प्रिंटिंग लेना है, सॉफ्ट कॉपी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हमको प्रिंटिंग लेना है तो हमारा कितना डेटा कहाँ तक पेज पे आएगा, कितना दूसरे पेज पे शिफ्ट होगा, ये कैसे समझ में आएगा। ये देखिए ऐसी लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी दिखेगी आपको एक, ये देखिए ये, तो ऐसा इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ए से लेके जे कॉलम तक का डेटा और दिस वन फिफ्टी कॉलम तक का डेटा, फिफ्टी रो तक का डेटा आपको एक साथ में दिखेगा। ओके, सो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल गो विथ नेक्स्ट ऑप्शन, अब हम वर्कबुक कैसे स्टार्ट करना और उसमें टाइपिंग कैसे करना, सेल एड्रेस को कैसे ढूंढना, एडिट या डिलीट कैसे करना टेक्स्ट और सेव कैसे करना, कंपैटिबिलिटी मोड में कैसे सेव करना और उसके बियॉन्ड कैसे सेव करना वो हम देखेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक कंट्रोल एन करके हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते या न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते। इसमें हम वर्कबुक बोलेंगे, एक्सेल में वर्कबुक बोला जाता है, फाइल यानी वर्कबुक। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है जैसे देखिए ऑफिस बटन पे से न्यू बटन। तो अब आपके पास में ना एक तो डायरेक्टली न्यू करेंगे तो देखो ब्लैंक वर्कबुक आएगी, या फिर टेम्पलेट्स में से भी आपको इस पर्टिकुलर साइज का सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने वर्ड में देखा था टेम्पलेट्स में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड आपको करूंगी कि ब्लैंक वर्कबुक ले और क्रिएट पे क्लिक करें। तो जैसे ही हम लोग ब्लैंक वर्कबुक लेंगे तो अब सेल कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, जो रो का नाम है और जो कॉलम का नाम है उनके कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आपको देखिए क्या क्रिएट होके मिल रहा है। ये देखिए सेल का एड्रेस है A1, तो आपका ये जो बॉक्स है वो कौन से सेल पे है ये कैसे समझेगा, इस पर्टिकुलर सेल एड्रेस से A1। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में सेल एड्रेस होता है, नेम बॉक्स में सेल एड्रेस होता है, और सेल एड्रेस बनता है पहले कॉलम का नाम बाद में रो का नाम। अगर मैं लिखती हूँ D45 तो इसका मतलब क्या है, मैं D वाले कॉलम में 45 नंबर के रो पे हूं। ठीक है, अब मैं जो कुछ भी यहाँ पे इस सेल में टाइप करूंगी वो कहाँ दिखेगा,
वो दिखेगा मुझे फॉर्मूला बार में, और फॉर्मूला बार कहाँ दिखेगा, जो सेल एड्रेस होता है ना उसी के जस्ट लाइन में सामने में फॉर्मूला बार रहेगा, ठीक है। सो जो फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है वही हमारे सेल का कंटेंट होता है, ठीक है। सो सेल एड्रेस समझ में आया सब लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल C3 है तो पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। अब डिलीट करना है तो जिस भी सेल को डिलीट करना है तो सेल के ऊपर क्लिक करो और डिलीट बटन प्रेस करो या बैकस्पेस बटन प्रेस करो। अगर आपको करेक्शंस करना है तो फंक्शन की F2 प्रेस करो, करेक्शंस करो और फिर एंटर करो, या आपके पास और एक चॉइस है, डबल क्लिक करो उस सेल के अंदर, करेक्शन करो और फिर एंटर की प्रेस करो, ठीक है। मूव करना है तो आपके पास पेज अप, पेज की, पेज डाउन, टैप, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट राइट और एंटर की, इतने सारी कीज अवेलेबल है, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, आपके पास अगर सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो सेव एज ऑप्शन आएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्रिएट करोगे तो सेव ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो सेव कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर क्रिएट करें तो सेव एज आएगा, उसमें से एक्सेल वर्कबुक लेना है। अगर हमको प्रीवियस वर्जन में सिलेक्ट करना है, कंपैटिबिलिटी मोड में सिलेक्ट करना है, तो उस समय हम जैसे एक्सेल 2003 या उसके प्रायर वर्जन में चाहिए तब हम कंपैटिबिलिटी मोड में सिलेक्ट करेंगे। बट अगर आपका कंपैटिबिलिटी मोड में सेव्ड है और उसको आपको नॉर्मल में करना है तो आप क्या करोगे, उसको सेव एज करके एक्सेल वर्कबुक में सेव करोगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपका असाइनमेंट क्या है, एक्सेल ओपन कीजिएगा, न्यू ब्लैंक वर्कबुक बनाओ, टेक्स्ट एंटर करो, डिलीट करो और नेविगेट करो और सेव करो, ठीक है। आई शो यू द आउटपुट। ये हमारी एक्सेल स्क्रीन है, ठीक है। तो अभी ये देखिए, जो भी मैं जहां पे भी मेरा माउस का ये है, ये चार जो घूम रहा है वो माउस पॉइंटर है, ये देखिए प्लस का साइन जो घूम रहा है वो माउस पॉइंटर है, बट ये जो बॉक्स है ये हमारा सेल पॉइंटर है, ठीक है। तो ये सेल पॉइंटर जहां पे रहेगा, तो अभी कहां पे है, F6 में, तो ये देखिए ये नेम बॉक्स में उसका एड्रेस आपको पता चलता है। अब मैं यहाँ जो कुछ भी टाइप करूंगी, जो दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला बार में है, ठीक है। एक बार मैंने टाइप किया, एंटर कर दिया, फिर से टाइप किया, एंटर कर दिया, तो आपका सेल में से एंट्री निकल जाता है और आपका पॉइंटर दूसरी जगह आ जाता है, ठीक है। अब मुझे इसमें मॉडिफाई करना है, तो अगर मैंने ऐसे लाया और मॉडिफाई करने की कोशिश की तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाता है। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, आप क्या करोगे, आपको अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप उस सेल पे लाओ और फॉर्मूला बार में जाके चेंजेस करो, पहला बात। दूसरी बात, अगर वैसा नहीं पॉसिबल हो रहा है तो यहाँ पे आप फंक्शन की F2 प्रेस करोगे, यहाँ पे मैं अपडेट कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ, ठीक है, चाहे उतना चेंजेस कर सकती हूँ, ओके। अब इसमें मजेदार बात क्या है, अगर मुझे कंटेंट डिलीट करना है तो मैंने वहां पे लाया और डिलीट बटन प्रेस किया, या अगर मैं यहाँ पे ला रही हूं तो बैकस्पेस बटन प्रेस कर सकती हूँ, तो दो तरीके से मैं काम कर सकती हूँ, ठीक है। टैप की अगर मैं यूज कर रही हूं तो देखिए मैं आगे आगे एक एक कॉलम में जा सकती हूँ, मैं एरो के नीचे का यूज कर रही हूँ तो नीचे जा सकती हूँ, ऊपर का यूज कर रही तो ऊपर जा सकती हूँ, पेज डाउन से पेज भर नीचे, पेज अप से पेज भर ऊपर शिफ्ट हो सकती हूँ। फ्रेंड्स एक बहुत मजेदार वाला की शेयर करूंगी, अगर मैं कंट्रोल होम प्रेस करती हूँ, कंट्रोल होम, तो मैं कहीं पे भी रहूं शीट में, मैं A1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाऊंगी, और अगर मैं कंट्रोल एंड प्रेस करती हूँ तो जहां तक मैंने डेटा एंटर किया हुआ होगा वहां तक मैं आऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए आपके कितने रोज है, 1048576, और कितने कॉलम्स हैं, ये देखिए X F
डी तक, मतलब कैसे ये नाम आते हैं, पहले ए टू जेड, फिर ए ए टू ए जेड, फिर ए बी ए टू बी जेड, ऐसे करते हुए ये पूरे नाम क्रिएट होते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं लास्ट कॉलम लास्ट रो में हूं, वहां से मुझे एक खटाक से एक इसमें रो फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट में आना है। तो देखिए रो वन कॉलम वन में मैं आ गई कंट्रोल होम बटन यूज करके। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, देन हमने इंसर्ट कैसे करना टेक्स्ट वो देखा, डिलीट कैसे करना वो देखा। ठीक है, अब हम इसको सेव कैसे करना है, तो देखिए फर्स्ट टाइम अभी मैंने कैसे क्रिएट किया था, राइट क्लिक करके सेव किया, न्यू फाइल क्रिएट की थी, तो पहली बार मैंने उसको नाम दे चुकी हूं, तो अब मैं क्या करूंगी, सेव वाला ऑप्शन यूज करूंगी। ठीक है, बट अगर मैंने नया फाइल होता तो मैं क्या करती, सेव एज करती। ठीक है, फ्रेश फाइल होता तो मैं सेव एज करती, और सेव एज करने के बाद जिस भी डायरेक्टरी में जहां पे भी जाके वो फाइल मुझे सेव करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ए नाम की डायरेक्टरी में उसको मुझे सेव। सो हम लोग इस तरीके से जो फोल्डर है उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे कि कहां हमको सेव करना है। ठीक है, और फिर फाइल का नाम देंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया था ए, तो ए नाम की डायरेक्टरी में वो जाके फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं सेव पे क्लिक करूंगी तो वो ए नाम के डायरेक्टरी में जाके वो फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव पे मैं क्लिक कर रही हूं, तो ये जो अभी दूसरी वाली फाइल बनी है वो कहां पे सेव हुई है, इन द ए डायरेक्टरी। ठीक है, नाउ अब अगर मेरे पास कोई फाइल अवेलेबल है, लेट मी शेयर वन फाइल विथ यू, सपोज दिस इज द फाइल। ठीक है, ये मेरे पास बनी हुई कोई फाइल थी, वो रेडी अवेलेबल है। ओके, अब इसमें से मैं फाइल में गई सेव एज, अगर मैं एक्सेल वर्कबुक करती हूं तो वो कैसे सेव होगा, विथ वर्जन 2007। ठीक है, बट अगर मुझे कंपैटिबिलिटी मोड में उसको सेव करना है तो मैं उसको कैसे सेव करूंगी, सेव एज, सेव एज पे क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन पूछता है, मैंने एक्सेल वर्कबुक के जगह 97 2003 वाला पैटर्न बोला और नाम दिया प्रैक्टिकल का और सेव पे क्लिक किया। कहां पे सेव हो रहा है वो, मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया। ठीक है, सेव पे क्लिक किया। सो नाउ फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे अर्लियर इट वॉज सेव्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट, नाउ इट इज अवेलेबल। ठीक है, आपको अगर इसमें कुछ इमेजेस हैं या कुछ है वो आपको वर्कआउट करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई इमेज आपने वर्कआउट करके रखी, उसको कॉम्प्रेस करना है या उसको एज ए थंबनेल सेव करके रखना है तो उसका भी आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, वन कॉम्पेटिबिलिटी फाइल, लेट मी, अभी ये मेरा कैसा है, ये वाला जो फाइल सेव हुआ है ये, दो इट इज 2003 बट इट इज अवेलेबल हियर ऑल्सो, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सेव एज और सेव ऑप्शन यूज कर सकती हूँ। ठीक है, सेव एज में एक और ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, जो जनरली आप लोगों के काम में नहीं आता है बट अगर कहीं मांगते हैं तो यू नीड टू गो फॉर इट।
जैसे ये वाला पुराने फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, तो आपको अगर लगता है तो आप इस तरीके से उसको सेव एज कर सकते हो। ठीक है, कभी होता है कि कहीं कुछ प्लेसेस में आपको कम वर्जन वाला अवेलेबल है, आपके पास में हायर वर्जन का सॉफ्टवेयर है बट कुछ जगह पे है कि वो कम वर्जन का सॉफ्टवेयर है, तो उस समय आपको ये सेव एज कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा कि आप अभी कौन से वर्जन में काम कर रहे हो। हो सकता है आपके कंप्यूटर में अगर वो कंपैटिबिलिटी मोड अवेलेबल होगा तो ही आप ये सब चीजें कर सकोगे, अदरवाइज आपको फिर आपकी फाइल ठीक से नहीं ओपन होती। जैसे 2003 वाला वर्जन अगर है तो वो 2007 में अगर अलाउड करा होगा तो ही अच्छे से खुलेगा। जैसे उसका ना एक्सटेंशन होता है .xls और आपके 2007 का वर्जन का एक्सटेंशन रहेगा .xlsx। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप सब लोगों को समझ में आया जो हमने वर्कआउट किया आज। ओके, सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।